उस पहेली को बहुत गर्मी लग रही है और वह कुछ ताजा ठंडी हवा के लिए मरी जा रही है। वो पसीने से तर बतर है और उम्मीद है कि खिड़की को खोलने से उसे थोड़ी राहत मिलेगी। क्या वो हवा महसूस हो रही है? ओह, अब थोड़ा बेहतर है। ओह, लेकिन रेचल को तो कुछ अलग ही चाहिए। वह ऐसी लड़की है जिसे थोड़ी सी भी हवा बर्दाश्त नहीं होती। उसे हमेशा ठंडी लगती है और वह खिड़की को खुला रहने नहीं दे सकती है। उसके ठिठुरने को बंद करने का एक ही तरीका है, खिड़की को बंद करना। उसे तो इतनी ठंड लग रही है कि कहीं उसे सर्दी जुकाम ना हो जाए। अब अंदर बहुत अच्छा और आरामदायक है, लेकिन हेली को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे लगता है कि रेचल उसके पसीने को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेचल हार नहीं मान रही है और वह हेली को खिड़की की तरफ एक कदम नहीं लेने देगी। अरे लड़कियों, अभी लड़ना बंद करो। क्या यह तय नहीं कर पा रही है कि कौन सा तापमान बढ़िया है? एक चुनौती से यह फैसला हो जाएगा। और ऐसे ही हमारी एक प्रतियोगिता का आरंभ होता है। आज होगा गर्म ठंडा या कुछ भी नहीं, यह होगा वह खाना जो आज सभी खाएंगे। हर कोई तैयार है? आशा है, क्योंकि हम आइसक्रीम के साथ शुरू करते हैं। भाग्यशाली निकली, एकदम शुरुआत से ही मुझे सबसे अच्छा व्यंजन परोसा गया है। इतना स्वादिष्ट, इससे बेहतर और कुछ नहीं। तुम दोनों क्या कर रहे हो? बहुत गर्म है, इससे मेरी उंगलियां ही जल गईं। फ्रेड, मैं क्या करूं? मैं इसे कैसे खा सकती हूं? क्या आप लोगों ने कभी आइसक्रीम के बारे में सुना है जो कि इस इतना उबलने जैसा गर्म हो? इसे क्रीमी गर्म कोको की तरह पीऊं। बहुत बढ़िया। इस बार किसे क्या मिला है हम पता लगाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते। और ये देखिए, हेली को कुछ नहीं, तुम आराम कर सकती हो। फ्रेड को ठंडा। तुम इतना क्यों डर रहे हो दोस्त? रेचल को गर्म। यह अच्छा हो सकता है या बुरा, कौन जानता है। तीन की गिनती पर ढक्कन हटाते हैं। 3, 2, 1। हाँ, यह हुई ना बात। मैं तो बिना मतलब का चिंता कर रहा था। फ्रूट लूप्स मेरे पसंदीदा सीरियल्स हैं, खासकर ठंडे दूध के साथ बहुत बढ़िया। मुझे यह नहीं पता कि इतना गर्म सीरियल कैसा होगा। यह अच्छा नहीं हो सकता है। अरे, यह तो दूध नहीं है। खैर, अगर यह है तो यह एकदम जमा हुआ है। मैं तो इसमें से चम्मच तक नहीं निकाल पा रहा हूँ। फिर मैं इसे खाऊंगा कैसे? यह पता लगाना कि यह क्या है में मदद करना मुझ पर हंसने से ज्यादा मददगार होगा। ठीक है, मैं यह कर लूँगा। अब तुम लोगों का मेरे बारे में क्या ख्याल है? स्वादिष्ट। चलो रेचल, अब तुम्हारी बारी है। मैं सच में ये नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं तो निश्चित नहीं हूँ कि वो फूंकने से इसमें कुछ मदद मिलेगी। मुझे अपना मुंह नहीं जलाना है। अरे, यह बुरा नहीं है, मुझे वास्तव में यह पसंद आया। हेली, इस बार वास्तव में तुम्हारा ही नुकसान हुआ है। चीजें और बहुत ही दिलचस्प होती जा रही हैं। अब हर कोई जानता है कि कुछ नहीं वाला कार्ड मिलना हर दौर में अच्छा नहीं होता है, और इस बार रेचल को यही मिला है और वह बैठी रहेगी। फ्रेड को गर्म मिला है और इसका मतलब है ठंडा हेली के लिए। हो सकता है कि मैं कुछ भी ना खाऊं, पर मैं अभी भी चुनौती में हूँ। रेचल, मुझे लगता है कि तुम कुछ भूल गई हो, जो है खाना, आज की सबसे महत्वपूर्ण चीज। इतने नखरे मत करो, यह देखो, यह है असली जादू। तो हमारे पास क्या है? हाँ, दिलचस्प चिकन। केवल यह निश्चित नहीं है कि कैसे खाएं जब यह जमा हुआ हो।
खैली, पुराने कॉलेज के दिनों की तरह खाने की कोशिश करने के लिए शुक्रिया, लेकिन नहीं, अब फ्रेड ग्रिल से निकला हुआ ताजा टुकड़ा का आनंद लेगा। ओह, बहुत ही ताजा। अब क्या यार, यह हाथों से खाने वाला खाना नहीं है, इसलिए हमारा दोस्त सही उपकरण लाया है इस काम के लिए। आनंद लो। Yes. चीजों को और दिलचस्प बनाते हैं। हैली को क्या मिला है? ठंडा फिर से? पिछले बार तो ये अच्छा नहीं था। फ्रेड, तुम्हें कुछ नहीं मिला है, और रेचल को मिला है गर्म। यह पता करने के लिए कि अच्छा है या नहीं, केवल एक ही तरीका है। अरे किटकैट्स! और किसको लगता है कि ये अब तक का सबसे अच्छा दौर है? लगता है कि हैली सहमत है। रेचल, हम कितने भागशाली हैं ना? माफ करना, हम तुम्हें उदास नहीं करना चाहते हैं फ्रेड, लेकिन पिछले दौर में मुझे जमा हुआ चिकन का टुकड़ा मिला था। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें जल्द ही कुछ अच्छा मिलेगा। किटकैट सच में मेरा सबसे पसंदीदा कैंडी बार है। इतना अद्भुत होता है, स्वादिष्ट और गर्म करके तो ये और भी स्वादिष्ट है। मैं तो साथ में आसमान पर हूँ। मेरे पास आओ मेरी जमी हुई कैंडी। यह वैसी नहीं जा रहा है जैसे मैंने उम्मीद की थी। अरे यार, यह तो एकदम जमा हुआ है और मैं इस तरह तो कुछ नहीं खा पाऊंगी। घबराओ मत हैली, फ्रेड यहाँ है और वह ऐसे ही बैठकर तुम्हें परेशान होते हुए नहीं देखेगा। उसके पास एक योजना है, काश वह हमें भी बताता। चलो देखते हैं। ओह, अब समझ में आया, बहुत बढ़िया। जमे हुए किटकैट को मिल्कशेक में बदलना तो बहुत ही बुद्धिमानी का काम है, और सच कहूँ तो अगर वह ब्लेंडर नहीं होता तो किसी हाल में हैली वह नहीं खा पाती। और देखो, फ्रेड के साथ भी बांटकर पी रही है। को यह चुनौती पसंद आया, बहुत अप्रत्याशित है। हर दौर में सरप्राइज भरे रहते हैं। रेचल को मिला है ठंडा, फ्रेड को फिर से खाली प्लेट, माफ करना यार, और हैली के लिए कुछ गर्म इंतजार कर रहा है। सवाल यह है कि क्या? वाह, न्यूट्रेला! चीजें तो बेहतर होती जा रही हैं। एक सेकंड रुको, फ्रेड, तुम्हें कुछ नहीं मिला है, अब न्यूट्रेला वापस करो। ठीक है। आह यार, यह गर्म है, मुझे इसे सावधानी से खाना होगा। ओह नहीं, चलो, यह बस गर्म चॉकलेट है और इसमें कुछ गलत नहीं है, और यहाँ मुझे छोटे बाइट लेने होंगे और फिर सब ठीक होगा। मेरे पास शून्य इच्छा शक्ति है और खाना होगा। आह, मेरा मुंह, तब भी यह बहुत अच्छा था। चीजों को थोड़ा ठंडा करने का समय। वह बर्फ जितना ठंडा और बहुत ही कड़ा। ओह, मुझे आशा है कि मेरा चम्मच इसमें ना टूट जाए। ठीक है, आसान नहीं था लेकिन थोड़ा आ गया है, और पता है क्या, यह बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें खाना है फ्रेंड? अच्छा है ना? अब सारा मत खा लेना। अंतिम दौर। इन तीनों ने सच में आज बहुत ही अलग तरह के व्यंजन खाए हैं। रेचल, माफ करना पर तुम्हारा हो गया। फ्रेड को गर्म, ये हैली को ठंडा। अच्छा, हो सकता है, तो चलो देखते हैं। पिज्जा? हाँ, पिज्जा। आखिरकार कुछ मिलने पर फ्रेड के चेहरे पर मुस्कुराहट है। वह इसे बेहतर तरीके से चुनौती का अंत नहीं कर सकता था। भाग की रानी फ्रेड को नहीं भूली है। अब हैली, यार मैं यह नहीं कह सकती कि मुझे आश्चर्य है कि तुम जमे हुए पिज्जा खाना पसंद नहीं करती हो। ठंडा पिज्जा अच्छा होता है, लेकिन जमा हुआ तब भी तुम्हें खाना होगा, इतना बुरा है।
मेरे पास एक मजेदार आइडिया है। जब तक कोई नहीं देख रहा है, हेलो दोस्तों, क्या बढ़िया चुनौती है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इन नूडल्स से। इसमें सॉस डालते हैं और फिर खाते हैं। कितने रंगीन और स्वादिष्ट हो गए। कितना अजीब लग रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो मेरे घर से ज्यादा पसंद है यह जगह। और अच्छा है कि यहाँ चिप्स है। यह कौन से फ्लेवर का होगा? वाह, मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रही हूँ। इन चिप्स को खाकर मैं सुपर गर्ल में बदल गई हूँ। बहुत अच्छा। तो चलो, क्यों ना मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूँ। देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। अरे नहीं, मेरी आइसक्रीम नीचे गिर गई। हाँ, मुझे दिख रहा है कि किसी को मेरी मदद की जरूरत है। रुको, मैं आ रही हूँ। हेलो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यह लो। वाओ, तुमने मुझे बचा लिया सुपर गर्ल। मिशन पूरा हुआ। जेस, कहाँ चली गई थी तुम? एक अर्जेंट काम आ गया था। मैं तो अपने चिप्स के बारे में भूल ही गई थी। यह भी जरूर जादुई होंगे। चलो शुरू हो गया। वाह, अब मैं आयरन लेडी में बदल गई हूँ। अरे यह क्या, बेकार बॉल। अब मैं दिखाती हूँ कि यहाँ किसकी चलती है। वाह, तुमने तो इसे छोटा कर दिया। इतना ही नहीं, मैं और दिखाती हूँ। वाह, तुम कितनी ताकतवर हो। चलो छोटे बॉल, अब जाओ। अरे, अब हम सुपर हीरो नहीं रहे। कितने अफसोस की बात है। लाल अंडे कितना अलग है। मेरा कहना है चलो एक मुकाबला हो जाए। शुरू करते हैं। 3, 2, 1, चलो। मुझे अपने आप पर बहुत भरोसा है, तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। इसके बारे में हम देख लेंगे, मैं कुछ ही सेकंड में सब खत्म कर दूंगी। कितना डरावना लग रहा है, लेकिन अच्छा है कि मैं अपने प्रतियोगियों से छुटकारा पाना जानती हूँ। और इसके लिए मेरे पास एक विशेष अंडा है। मैं नहीं हारने वाली हूँ जेस, मैं सब खा जाऊंगी। वाह, वह जो कहती है वह कर देती है। ठीक है, फिर से कोशिश करती हूँ, इस बार साबुन के साथ। सारे अंडे का स्वाद अलग है। कितना अजीब है। लगता है कुछ उसे नहीं हरा सकता। ओह, साबुन का बबल। खैर ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प बाकी है। एक उबले हुए अंडे को बदलकर एक कच्चा अंडा दे देती हूँ। अभी बहुत कम बाकी है। छी, क्या ये कच्चा अंडा है? आखिरकार कुछ तो काम कर गया। तो तुम ही सबके पीछे थी जेस, तो यह लो। लेकिन ये तो बस एक मजाक था। लाल फैंटा, ये किस चीज का बना होगा? शायद स्ट्रॉबेरी। चलो देखते हैं। और मैं अपना नीला वाला पीती हूँ। वाह, कितना प्यारा रंग है। मेरा और भी प्यारा है। इससे स्वाद में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, यह पूरी दुनिया का सबसे अच्छा ड्रिंक है। सबसे अच्छा। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल। इसके लिए थोड़ी चीटिंग करनी पड़ेगी। यह रहा नीला फैंटा। अब मुझे लाल की जरूरत है। छूना मत, यह मेरा है। वाह, उधर वो क्या है? हो ही नहीं सकता, बेवकूफ। अब यह मेरा है।
अब बस सब कुछ मिलाना बाकी है। उप्स, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। लगता है अलग अलग स्वाद का विस्फोट। तुम्हें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए था जैस। पॉपकॉर्न के दाने और किसी तरह का स्प्रे, मुझे नहीं पता कि इसके साथ क्या करूं। मेरे लिए तो सब स्पष्ट है, स्केटल्स का एक पूरा पैकेट। अफसोस है कि सारे रंग के कैंडी मिले हुए हैं। एक मैग्नीफाइंग ग्लास और मेरी सावधानी मेरी मदद करेगी। यह ठीक है, यह भी और यह वाला भी। लगता है मुझे भी कुछ करना चाहिए, ऐसे ही बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। वाह, ये तो नीले पॉपकॉर्न में बदल रहे हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे तुरंत खा कर देखना होगा। यह क्या हुआ, वो कहाँ गई? ओलिविया, वापस आओ। मेरे पास लाल कैंडी है, ये तुम्हें बहुत पसंद है ना? शुक्र है मैं वापस आ गई, पता नहीं अभी क्या हो गया था। चलो छोड़ो, अपनी डिश खा लो। कितने बड़े और अच्छे लॉलीपॉप्स हैं। इसका स्वाद भी बढ़िया है, सिर्फ इसमें एक ही चीज की कमी है, मेरे पसंदीदा M&M's। मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। जैस, मेरी ट्रिक देखनी है? देखो। वाह, यह जरूर स्वादिष्ट होगा। अरे हाँ, मैंने एकदम सही कहा। मुझे भी इसके ऊपर कुछ मीठा चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बिल्कुल, मुझे यह बटन्स तुम्हें देने में कोई अफसोस नहीं होगा। और ये एकदम कैंडी जैसे दिखते हैं। बस एक सेकेंड, हमें यह खत्म करना हो गया। हो गया, अब तुम खा सकती हो ओलिविया। कुछ मेरे मुंह में फंस गया है, इतने सारे बटन। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कहां से आए। सरप्राइज, इसकी उम्मीद नहीं थी ना? गुस्सा मत करो, यह कितना मजेदार था। खाली प्लेट, यह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वाह, कुछ आ गया है, मेरे पास भी। हमें ध्यान से देखना होगा। यहाँ एक बटन है। वाह, इससे लाइट निकलती है। वाह, मेरा भी ऐसा ही होना चाहिए। कितना सुंदर। इस चीज से मुझे लेजर बीम की याद आ रही है। कितने सारे हैं, लेकिन मैं एक बिल्ली की तरह सारे के बीच से जा सकती हूँ बिना कुछ छुए। नीचे, पीछे और अब आगे। हो गया। मैं कितनी चालाक हूँ, और इधर मैं नाच भी सकती हूँ। अरे जैस, तुम्हें क्या हुआ? लगता है वह दिन में सपने देख रही है, लेकिन मैं भी किसी चीज के सपने देख सकती हूँ। इन बीम से मुझे एक पार्टी की याद आ रही है। लगता है किसी को बहुत मजा आ रहा है। खैर, मुझे भी साथ में मजा करने से कोई दिक्कत नहीं है। होम पार्टी। वाह, और फोम की जरूरत है। M&M's का नया पैकेट, यह हुई ना बात। और मेरे पास लिक्विड कैंडी है, यह भी बढ़िया है। जब चॉकलेट पास में हो तो मैं खुद को नहीं रोक पाती। सिर्फ एक कैंडी, मुझे विश्वास नहीं है। तीन और जरूर होंगे। नहीं, अब मुझे सारे मिल जाएंगे। अरे ध्यान से। उफ्स, लगता है कि थोड़ा गंदा हो गया। बस थोड़ा सा, हमें यह जल्दी साफ करना होगा।
लेकिन पहले मुझे लगता है तुम्हें मेरा ट्रीट चखकर देखना चाहिए। ये लो ओलिविया, तुमने मेरे पूरे चेहरे को गंदा कर दिया। तैयार हो जाओ, अब मेरी बारी। ये तुमने क्या किया? तब भी बहुत मजा आया। ओरियोस और दूध। वाह, लगता है कि मुझे एक कमाल का स्नैक मिल गया है। लगता है कि उस लड़की की नजर मेरी ओर है। ओरियोस तो हर तरफ से अच्छे दिखते हैं और इसके अंदर स्वादिष्ट फ्रॉस्टिंग भी भरा हुआ है। यहाँ काफी गर्मी हो रही है। क्या मेरे बालों का स्टाइल थोड़ा बदलने का समय आ गया है? बुरा आइडिया नहीं है। ठीक है, अब बस बहुत हो गया इंतजार, अब खाने का समय है। अरे रुक जाओ, आज मैं नहा चुका हूँ। ये काफी नहीं था, कुकीज अभी भी कड़क है। मुझे इसे और अच्छे से डुबोना होगा। फिर से? सच में? मैं तो पहले से ही बहुत भींग गया हूँ। यह हुई ना बात, एकदम मुंह में पिघल गया। यह ब्रोकली स्वादिष्ट तो नहीं होगा, लेकिन मेरे सेहत के लिए अच्छा है ना? इसका स्वाद अच्छा क्यों नहीं होता? अरे यार, मेरे दांतों में फंस गया। क्यों ना एक छुपन छुपाई का खेल हो जाए? अगर पकड़ सकती हो तो पकड़ो। मुझे एक टूथपिक की जरूरत होगी, उससे तुम्हारी कोई मदद नहीं होगी। हाँ, मैंने लगभग इस जिद्दी टुकड़े को पकड़ लिया है। मुझे छोड़ो, मैं इस बात से सहमत नहीं हुई थी। हाहा, निकल गया। ओह पिज़्ज़ा, यह तो मैं जरूर खाना चाहती हूँ। हाँ? लेकिन दिक्कत बस यह है कि यह ठंडा हो गया है। मुझे इसे गर्म करना होगा। एक दो मिनट के बाद ये एकदम सही हो जाएगा। ये इतना लाइट कहाँ से आ रहा है? कुछ ज्यादा ही चमकदार है। जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। बहुत गर्मी हो रही है। आखिरकार हो गया। इसकी खुशबू तो लाजवाब है। अरे रुको लड़की, इसी वक्त मुझे नीचे रखो। मैं गिर रही हूँ। कितना स्वादिष्ट। शेफ सारा शुरू करने के लिए तैयार है। अब मैं अपना जादू दिखाती हूँ। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है और ग्रीक सलाद मेरा सबसे पसंदीदा डिश है। पहले मैं टमाटर से शुरू करती हूँ। 1, 2, 3 की गिनती जितना आसान है यह। और अब खीरे, और यह जाते हैं कटोरे में। काले ओलिव्स, यह मुझे बहुत पसंद है। इन्हें काटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। ठीक है, अब सब मिलाती हूँ। मैं क्या भूल रही हूँ? हाँ, चीज। मैं इस छोटे टुकड़ों में काट देती हूँ और फिर यह जाएगा बाकी की चीजों के साथ। जो तुम कहो सारा, मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा। साइड हो दोस्तों। मुझे आज पूरे दिन एक चीज बर्गर खाने का मन कर रहा था और अब मैं खा सकती हूँ। चलो एमा, शुरू करो, मैं तैयार हूँ। इसके बाद मैं थोड़े सलाद के पत्ते डालती हूँ। अरे हाय दोस्त, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। और अब टिक्की, यह तो एक जबरदस्त पार्टी हो रही है। किसी हाल में मैं चीज को नहीं छोड़ सकती हूँ। यह क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, और अब अंत में बन।
हेलो दोस्तों, मैं आ रहा हूँ। यह तो बहुत बढ़िया बना है। अब हम गए। बहुत ही स्वादिष्ट। मुझे सच में और खाना बनाना चाहिए। मेरा पसंदीदा सीरियल अभी बस शुरू होने वाला है। एकदम सही समय पर मेरे पास एक स्वादिष्ट स्नैक भी है। इससे बेहतर और क्या हो सकता था। अरे उधर ऊपर तुम, क्या तुम हमें परेशान करना छोड़ सकती हो? अपने हाथ हमसे दूर रखो। नमकीन चिप्स, अच्छा है कि पूरा पैकेट है मेरे पास। मुझे नीचे रखो, अगर मुझे गुस्सा आएगा तब अच्छा नहीं होगा। इस चिप्स में किसी तरह की आग है, मुझे पसंद आया। क्या खत्म हो गया? तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगी। अरे मुझे पता है कि अंदर बहुत सारे और हैं। क्या यह चिप अपने आप हिल रहा है? इधर आओ, मैं तुम्हें लेकर रहूंगी। केले सबसे अच्छे स्नैक होते हैं। तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा। बस इसे जल्दी से छीलती हूँ और फिर इसका मजा लेती हूँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मीठा और सेहत के लिए भी अच्छा है। सबसे अच्छा तरीके का खाना। ठीक, अब मुझे बहुत ताकत आ गई, तो चलो फोन देख लेती हूँ। क्या कोई दरवाजे पे आया है? मैं आ रही हूँ। ध्यान से। मैं गिर रही हूँ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। ठीक है, अब मुझे सच में डिनर बनाना शुरू कर देना चाहिए। मुझे लगता है मुझे सूप बनाना चाहिए। सबसे पहले प्याज काटना। उफ, मेरी आंखें, बहुत पानी आ रहा है। प्याज काटना कितना मुश्किल होता है। रो सारा, रो, सारे आंसू बहा दो। मैं बारिश शुरू कराता हूँ। चॉकलेट चाहिए? कितना स्वादिष्ट होगा। चलो खोलता हूँ। वाह, मुझे लगा हुआ तुम मुझे दोगे। चिंता मत करो, मेरे पास और भी कुछ है, लेकिन यह अभी तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं पूरे दुनिया की सबसे उदास इंसान हूँ। तुम दोनों के साथ समय बिताने में बहुत मजा आ रहा है। अच्छा हुआ कि हम मिल गए। ओह, मुझे लगता है कि मैंने गम पर पैर रख दिया। रुको, कहाँ जा रहे हो? हेलो प्यारी, अब हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। यह क्या, मैं सच में फंस गया हूँ? तुमने मुझे छोड़ दिया, क्यों? मुझे आगे से ध्यान से चलना होगा। वापस आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।